शीश झुकाने का मतलब अपने अहंकार का त्याग। और तू दो दिन पकोड़े और बनवाती रही तो मैं पकोड़े जैसी हो जाऊंगी फिर। दिया की ना छुट्टियां पड़ गई हैं तो घर पे है, कह रही है कि मैं ये सब चीजें खा के बोर हो गई हूँ। मैंने कहा पांचवा छठा है बेटा आज नवरात्रा, तो खा ले थोड़ा सा और एक दो दिन और। आज उसके लिए घर पे है, मुझे दिन में साबूदाने की टिक्की बनानी पड़ेगी। मैं ना भूल गई कि मैंने बनाना शुरू कर दिया और ये भूल गई कि रिकॉर्डिंग भी करते हैं हम। आज तो मैंने फ्राई कर ली सीधा डायरेक्ट ना, और उसी के लिए बनाई दो चार ही, ज़्यादा नहीं बना रही हूँ। शाम को खाएगी तो शाम को भी यही बना दूँगी। मेरे अपने सामा के चावल और सब्जी रखी हुई है कल के। पहले ही भोग लगा देती हैं। मैंने अपने लिए एक रखी है, उसके लिए 6-7 हो जाएंगी, दो भोग की हो गई। बहुत सालों बाद बना के दिखाई है, खा के दिखाते हैं। आहा हा, बहुत अच्छी बनी है। साबुदाने को अगर भिगो दो ना, मैंने आते ही, मैं घूमने गई थी वॉक करने, आते के साथ ही मैंने भिगो दिया था क्योंकि घर में छुट्टी है आज, तो वो कुछ ना कुछ अब मांगा करेगी, बोर हो गई ना खाते खाते, 4-5 दिन हो गए। लड़की ने जिमना शुरू कर दिया, बताया नहीं कैसी बनी दिया, तो शाम को भी यही खाएगी तू? हाँ, अभी चटोरपन पे उतर के आ रही है आते आते, क्योंकि बहुत दिन हो गए चटोरपन किए। आजकल हमारी सोसाइटी एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। आरती की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आ रही है आजकल, आरती की आवाज़ बड़ी ज़ोर ज़ोर से आ रही है। या तो नवरात्रि चल रहे हैं, मतलब फेस्टिवल जब होते हैं ना, त्यौहार जब आते हैं, तो उस टाइम शायद माइक की आवाज़ बढ़ा देते होंगे। तो अच्छा लग रहा है कि किचन तक भी आरती की आवाज़ आती है हमारे। मैंने शाम की पूजा कर ली, पूजा में पता है बहुत टाइम लग जाता है, और अब मैं सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाऊँगी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाया है, मुझे नहीं पता कैसा बना होगा, खा के पता चलेगा। आवाज़ पता नहीं आपको आ नहीं रही है, पूरी रात जूं 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 चल रही है, और अगर कोई उठ के घूम के आना चाहे ना, तो ये हवा डराती है उसको। हमारे सबके दरवाजे बज रहे थे जबकि एक एक चीज़ बंद है, फिर भी कहीं से कोई रहता है, धड़ाम धड़ूम धड़ूम, पूरी रात होता रहता है ये सब चीज़। मैं जितने भी गर्म कपड़े निकाल रही हूँ ना, निकालने तो करने पड़ेंगे, तो मैं धूप वूप नहीं लगवाती, मैं सीधा धो देती हूँ इनको, क्योंकि ना धोने के बाद भी बदबू अजीब सी रह जाती है। शर्मा जी तो बहुत डांटती थी मुझे, कह रही ये ना बदबू आती रहती है, कोई धूप लगाने का फ़ायदा नहीं होता, सीधा इनको धो के धूप लगा दे अच्छी तरह से। तो जितने भी गर्म कपड़े निकलते जा रहे हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके ना निकाल के, और थोड़ी थोड़ी धूप लगाते हुए जा रहे हैं सीधा। हाँ, जो पुराने गर्मियों के कपड़े हैं उनको धूप लगा के रख देंगे। आज कुछ नहीं किया, एक काम किया अपना, थोड़ा सा गर्म कपड़े हैं, ये कुछ फेस्टिवल आ रहे हैं उसके लिए कपड़े ऊपर उठा के रखने हैं, उनके प्रेस करनी है। ये सब जैकेट डायरेक्ट धो दी, काम ही ख़त्म कर दिया। और क्या, बार बार कौन निकाले इनको, कौन वो करे, अभी आराम से रखी जाएंगी और तब एकदम उठा के पहन लो। दिया, ये पुराना सूट मुझे आ गया आज, और तू दो दिन पकोड़े और बनवाती रही तो मैं पकोड़े जैसी हो जाऊंगी फिर। रिंकू जी कैसी ऐसी? रिंकू जी तुम पतली नहीं हुई हो? एकदम हो गई है पतली, एकदम हो गया। एकदम पतली, पेट अंदर गया है मेरा, अंदर गया है। अच्छा, 9 दिन के बाद पता चलेगा। ये देखो, ये ना बहुत डस्ट उड़ रही है, इतनी डस्ट उड़ती है यहाँ पे,
ये देखो ये बंद करना पड़ता है और सीधे ऊपर आते हैं और मकान भी बहुत बन रहे हैं यहाँ पे ना, अब ये मुझे बंद करनी पड़ती है। सारी की सारी कपड़ों पे भी आ जाती है। ये बंद कर दिया मैंने इधर से ना, ताकि इधर की उधर उधर उड़ जाए डस्ट, इधर ना आए। ये भी खांसी का एक बहुत बड़ा कारण है। और मैं ना अपना कमरे ना बंद रखती हूँ। अभी मैं बाबा जी से मिलने जा रही हूँ और दिया शाम को जाएगी, क्योंकि अभी खांसी ठीक हो गई ना, तो हमें भी ध्यान रखना था बाबा जी की भी तबीयत ख़राब ना हो जाए। मतलब वायरल एक दूसरे से ही फैलता है, तो फिलहाल आराम है। तो आज बाबा जी से मिल के आती हूँ और आपको भी मिलाऊंगी। दिया ने भी सारे गर्म कपड़े निकालने शुरू कर दिए। मैंने निकाले थे, मैंने कहा बेटा एक एक करके निकालेंगे। अरे नहीं, मैं भी निकालूंगी। शुक्र है निकाल रही है, फिर मैं धो के एक साथ लगा दूंगी। दिवाली आने से पहले ये काम हो जाएगा ना कपड़ों का, तो आधे से ज़्यादा गंद वैसे ही निकल जाता है। अब की बार ना हमारा बीमारी का प्रोजेक्ट जो है वो लंबा हो गया काफ़ी। खांसी जब होती है, खांसी में जाने में टाइम लगता ही है। जुखाम फिर भी कोल्ड जो है वो ठंड एकदम ठीक हो जाता है दो चार दिन में, लेकिन खांसी का मेरा तो जब मुझे होती थी तो शर्मा जी बोलते थे कि अब इसका प्रोजेक्ट हो गया, एक डेढ़ महीने में जाएगी इसकी खांसी। और उसके बाद मुझे ना शुरू में बहुत खांसी होती थी, अभी मेरे को कम होने लग गई है। मतलब इस टाइम ना झूले पे हवा ठंडी लग रही है धूप तेज होने के बाद भी। अब मुझे वानप्रस में देख के इसके लिए रूम मत पूछना, क्योंकि वानप्रस में आपको 6 महीने पहले बुकिंग करानी होती है तभी वो है, या फिर यहाँ पे डायरेक्ट आओ, डायरेक्ट अगर मिल जाएगा रूम तब मिल पाएगा। फ़ोन करने से कोई फ़ोन नहीं उठाएगा ऐसे, क्योंकि हमेशा बुक रहने वाला आश्रम है ये, सबसे सुंदर आश्रम जो है। आप 6 महीने पहले बुकिंग कराइए मेल पे, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, तो शायद आपको मिलने के चांस हो जाएंगे। लेकिन आप सोचेंगे एकदम से आके अगर कोई मिले तो ये नहीं होगा। बाबा जी आपकी बार उसी रूम में है 12 नंबर में, जिसमें शर्मा जी और हम जाते थे ना। देखो बाबा जी भी खुद मतलब यहाँ के ट्रस्टी हैं, तब भी उनको रूम पिछली बार नहीं मिला था, उन्होंने भी अब की बार 6 महीने पहले अपने उसकी बुकिंग कराई, तब उनको ये रूम मिला। आप सोचिए सारा काम धाम बाबा जी देखते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, फिर भी रूम नहीं मिल पाया था पिछले साल मैं जब आए थे उसमें, तो दूसरे बाहर मेन रोड वाला जो है ना, मेन गेट के पास जो है उस वाले में फ्लैट में मिला था। बाबा जी से मिलना हो गया बहुत टाइम बाद। और मैंने आप सबको बताया था कि जब से मैं कामाख्या देवी से आई हूँ तब से प्रश्नों का उत्तर बाबा जी दे पाएंगे, मेरे मन में बहुत प्रश्न घूम रहे हैं। वहाँ ये बोला गया कि ये बलि चढ़ानी जो बकरे घूम रहे थे बाबा जी वहाँ पे, पूजा के लिए बकरे लाए जाते हैं, और बकरे पूरे प्रांगण में घूम रहे थे, दो प्रश्न हैं। तो उन वहाँ ये बोला गया कि माता को बलि पसंद है इसीलिए बकरे लाए जाते हैं। दूसरा था कि ये बकरे जो हैं खुद ही जब चाहते हैं कि मैं मतलब अपनी बलि देना चाहते हैं तो ये खुद ही उसी बलि वाले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। तो ये दो प्रश्न मेरे दिमाग में मैं तब से हरी हूँ, तब से घूम रहे हैं कि माता को बलि पसंद कैसे हो सकती है। नहीं, ये संशय बहुत लोगों के मन में होता है कि ऐसा कैसे होता है। तो मेरी धारणा तो ये है कि माता तो जगत माता है, उसके लिए मनुष्य अपना बेटा है, कोई जीव अलग अलग है उससे वो बेटा नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल होता क्या है कि जिनको जो पसंद होता है वो चढ़ा देते हैं। जैसे मैं अपने बारे में बोलूं, हमारे परिवार में माँ काली के यहाँ जब जाते हैं तो पेड़ा लेके जाते हैं, तो जिसको बकरा पसंद होता है वो खाने का, जो मांसाहारी होते हैं वो उस बकरे को चढ़ाते हैं, माँ तो वो भी नहीं खाती, ये आपस में सब मिल बांट के खा लेते हैं। दरअसल माँ जगत जननी है। अब मान लीजिए कि आपके दो बच्चे हैं, आपके दो बेटियां हैं, और एक बेटी दूसरे बेटी को काट के आपके सामने डाल दे, आपको अच्छा लगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो बकरे की भी माँ वही है। मनुष्य की माँ भी वही है। तो बकरे उसी के दोनों संतान है, एक संतान दूसरे को काट के चढ़ा रही है, जगत माता कभी उससे प्रसन्न हो नहीं सकती। अब बोलते हैं कि जैसे रक्त पिया, अब वो एक देवी है ना जो जिन्होंने अपनी गर्दन काटी थी जी, हाँ जी, तो
गर्दन भी तो अपनी काटी उन्होंने, रक्त भी तो अपने, मतलब यही देखिए ये जो 10 महाविद्या है, ये सब जो 9 दुर्गा है, ये सब जो बाहरी रूप में हम लोग देखते हैं, इसके अंदर की बातें बहुत अलग हैं। तो साधना लाइन में जो आदमी उतर जाता है वो धीरे धीरे इस अंदर की बातों को समझता है। इसको इस संदर्भ में भी देख सकते हैं बाबा जी कि अगर बलि चढ़ाना है तो अपना मुंड में जो ईर्षा द्वेष भाव और जो है मुंड में नहीं है ना, वो तो अंदर में है ही, उसी को तो चढ़ाना पड़ता है। उसी हमें वहाँ बोला गया जो कुंड था कि उसके आगे शीश झुकाओ अपना, और मतलब हमने शीश झुकाया और जो जल था मतलब अपने लगाया, तो इसका शीश झुकाने का मतलब अपने अहंकार का त्याग। हम लोग जब ऐसे चलते हैं ना, जब ऐसे चलते हैं किसी के सामने तन पे, तो मेरे में मैं पूछूं, मैं बड़ा व्यापारी हूं, मैं बड़ा साधु हूं, मैं बड़ा नेता हूं, या मैं बहुत बड़ा गुंडा हूं, मैं बड़ा पुलिस ऑफिसर हूं, तो ऐसे चलते हैं। लेकिन जब उस अपना शीश झुका देते हैं ना, तो मतलब सब चीज़ों को हमने सरेंडर कर दिया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, सिर्फ शीश झुकाने का मतलब मुझे तो यही समझ में आता है, मैं यही मानता हूँ। यहाँ तेज पत्ता बहुत होता है, तो बाबा जी ने तेज पत्ता भी दिलवाया, और 4 बज गए हैं, ऐसे तो मन ही नहीं करता उठने का, लेकिन अब जाना पड़ा क्योंकि शाम को पाठ करना है और प्रसाद बनाना है। जब बाबा जी आते हैं ना तो समय कितना व्यतीत हो जाता है वो पता ही नहीं चलता है। जबरदस्त हवा चल रही है आज, तो मैं इसीलिए जैकेट पहन के आ गई। अब धीरे धीरे ना सूट से पैंट पे आ जाएंगी, गर्म पैंटें आ जाएंगी, अभी तक तो सूट चल रहे हैं। बहुत बढ़िया भजन चल रहे हैं, मंगल भवन या मंगलहारी, और ये देखिए घाट फिर से बनने की वो आ गई है। मैं रेनू को बुला रही हूँ, उसके पैर में दर्द हो रहा है, जब से वो जाम में फंसी है ना, पहले तो वो वैसे बीमार हो गई थी, और जब से जाम में फंसी थी तो उसके पैर का दर्द नहीं जा रहा है। उसका भी लंबा प्रोजेक्ट हो गया है, पहले उसको कफ हुआ था, वो कफ दोबारा से ठीक नहीं हो पाई तो वो प्रॉब्लम हो गई, और उसके बाद अब क्या हुआ, अब उसको पैर में जो जाम में फंस के पैर की प्रॉब्लम हुई थी, वो भी पैर ये अभी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये अब यहाँ मिट्टी हटाने का ना, क्योंकि ये घाट था ना, तो जो भी घाट पे जो मिट्टी होगी उसको हटा दी जाएगी, और ये वो यहाँ काम में ले लिया जाएगा उसको, बिल्कुल घाट के पास की मिट्टी थी ये, तो इस रेती को हटा के उधर काम में ले लेंगे, और फिर बीच में पुल ना बना दें। ये जगह सही चुनी है बैठने के लिए ना, और आगे बैठा जाए थोड़ा। अब ये ना कि पहले गीले हो जाते थे तो इतनी वो नहीं लगती थी, अब गीले होने में सर्दी लगेगी। जैसे जैसे यहाँ पे बैठ रही हूँ ना, ऐसे ऐसे हवा और तेज होती जा रही है, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं, और कुछ तो जो मेन थे वो मैं इसी में डाल दूँगी, बाकी दूसरे उसमें डालूँगी, और अब जब तक बाबा जी हैं यहाँ पे हैं तो तब तक क्यों ना सत्संग किया जाए, और बीच बीच में दूसरे चैनल पे भी वीडियो डाल दिया जाए, क्योंकि ऐसे मौके ना ऐसे उछड़ बार बार नहीं आते हैं। अब वरना फिर हम घूमने फिरने में ट्रैकिंग में ऐसे में बिजी हो जाएंगे, अभी जब तक हैं तब तक सत्संग का भी आनंद उठा लिया जाए, क्योंकि जीवन में सत्संग बहुत ज़रूरी होता है। तो और आपको सबको जवाब मिल गया होगा, कुछ के और प्रश्न हो तो वो बता देना, अभी बाबा जी हैं तो सबके प्रश्नों के उत्तर दूसरे चैनल पे दे दिया करेंगे। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव।